नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे आलू और बरबट्टी की सब्जी। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए आलू बरबट्टी की सूखी सब्जी बनाना शुरू करते हैं। ये सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए बरबट्टी, इसे हम काट कर अच्छे से धो लेंगे, और चाहिए आलू। आलू का हम छिलका उतार लेंगे और इसे हम कट करके अच्छी तरह से धो लेंगे, और चाहिए दो मीडियम साइज के प्याज, इसे हम पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लेंगे, और चाहिए एक मीडियम साइज के टमाटर, इसे हम रफली चॉप कर लेंगे। मसाले में चाहिए एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच हल्दी पाउडर और एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और हमें चाहिए एक चम्मच जीरा और 4 से 5 हरी मिर्च, और लेंगे एक चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक और एक चम्मच ग्रेट किया हुआ लहसुन। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई को गर्म करेंगे और डालेंगे 4 से 5 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल। तेल जब गर्म हो जाए तब डालेंगे हरी मिर्च और एक चम्मच जीरा, इसे हम कुछ सेकेंड के लिए फ्राई करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे कटे हुए प्याज को और इसे भी हम सुनहरा रंग होने तक फ्राई करेंगे। यहाँ पे देखिए प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, इसका कलर भी गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब यहाँ पे हम डालेंगे एक चम्मच ग्रेट किया हुआ लहसुन और एक चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक, और इसे भी हम कुछ सेकेंड के लिए फ्राई करेंगे। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे टमाटर और इसे भी हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक ताकि हमारे जो टमाटर है वो जल्दी पक जाए। ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, अब यहाँ पे हम डालेंगे बरबट्टी और इन सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ऐड करेंगे आलू, इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से इसे हम भून लेंगे। डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, इन्हें हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब यहाँ पे हम सारे सूखे मसालों को ऐड करेंगे, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक चम्मच हल्दी पाउडर। यहाँ पे हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे जो मसाले हैं वो जले ना। अब इसे हम ढक के पकाएंगे करीब 5 मिनट के लिए और गैस का फ्लेम लो पे रखेंगे। ढक्कन हटाने के बाद इसे हम हल्के हाथों से चला लेंगे ताकि सब्जी नीचे जले ना। इसे हम फिर से ढक के पकाएंगे करीब 2 मिनट के लिए
गैस का फ्लेम लो पे रखें। टमाटर का खट्टापन दूर करने के लिए यहाँ पे हम थोड़ा सा चीनी ऐड करेंगे। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सब्जी ऑलमोस्ट बनकर रेडी है। इसे हम और 2 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे और गैस का फ्लेम हम लो पे रखेंगे। देखिए हमारी जो सब्जी है वो बनकर बिल्कुल रेडी है। अब इसे हम सर्व करेंगे। रोटी या चावल दोनों के साथ ही इसे आप खा सकते हो। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे एक लाइक करें। मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो इसे आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें मेरा चैनल द स्पाइस ऑफ लाइफ बाय प्रीति शाह।